इस जमाने दे अंदर इस दौर दे अंदर जिहड़ा ये दौर जा रहा है नफसा नफसी दा आलम है। हर बंदा ही दुनियादारी दे अंदर फसिया होया है। अल्लाह दा कुरान है, मुस्तफा दा फरमान है कि अल्लाह दा पाक कलाम ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, मैं जिन्हों चाहवा बेटी अता फरमावा, मैं जिन्हों चाहवा बेटा अता फरमावा। ये अल्लाह ऐलान फरमा रहे ने, कोई किसी नूं बेटा नहीं दे सकता, कोई किसी नूं बेटी नहीं दे सकता। ये अल्लाह दे इख्तियार दे अंदर, ये अल्लाह दी कुदरत दे अंदर है। अल्लाह जिन्हों चाहे तो कुछ ना दवे, अल्लाह कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहा ना, तो जिन्हों चाहे अल्लाह बेटी अता फरमा दवे, जिन्हों चाहे बेटियां अता फरमा दवे। और दुआ हमेशा ये मंगया करो कि खालके कायनात अल्लाह जिन्होंने बेटियां अता फरमाइया ने, अल्लाह उन्हां दी इज्जत की भी हिफाजत फरमाए। सारे बोलो आमीन। कि बेटियां दी इज्जत जिहड़ी है, बेटियां दी आबरू जिहड़ी है, वो बाप की इज्जत हुंदी है, मां की इज्जत हुंदी है, भैणां की इज्जत, भरा की इज्जत हुंदी है। इस वास्ते दुआ ही मंगया करो, या अल्लाह बेटियां अता फरमाइया नहीं तो या अल्लाह उन्होंने इज्जत भी अता फरमाई, इज्जत की चादर अता फरमाई, इत्थे भी इज्जत अता फरमाई तो कबर हशर विच भी इज्जत अता फरमाई। तुसी हुण ये जिहड़ा जमाना जा रहा ना, तालीम का जमाना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौर, आम पढ़ाई कराओ जी, इंज करो जी, उंज करो, इस दौर दे अंदर बहुत ज़्यादा बेहयाई है, बहुत ज़्यादा बेटियां नू दूसरी तरफ लगाया जा रहा है, बेहयाई दी तरफ। दुआ गोवां कि अल्लाह सब दियां बेटियां दे पर्दे सलामत रखे, अल्लाह सब दियां बेटियां दी इज्जत सलामत रखे। अगर बेटी दी इज्जत सलामत है तो बाप दी इज्जत, बोलो बोलो, बाप दी इज्जत सलामत है। तुसी ए अनकरीब तुसी ए वेख रहे हो वीडियो दे अंदर कि एक लड़की ने कराची तो नस के लाहौर निकाह किया है, तो पूरा मीडिया वो पिछे लग्या जी, पता नहीं किन्ने महीने हो चले, वो जान ही नहीं छड़दे, पैसा कमाण वास्ते कोई किस तरह की खबर लगा रहा, कोई किस तरह की। वो जिहड़ी बेटी है उहदी मां ते उहदा बाप वो अदालतों के जलील पिआउंदे ने, खजल पिआउंदे ने कि साड़ी बेटी वापस की जाए, लेकिन पूरा सोशल मीडिया और यूट्यूबर सारे अपना पैसा कमाने की खातर कोई किस तरह की खबर लगा रहे, कोई किस तरह की खबर लगा रहे है। मैनू ईमानदारी ना दसो, उस माँ ते की गुजरती होएगी जिदी वो बेटी होएगी, बोलो ना, उस बाप ते की गुजरती होएगी जिस दी वो बेटी है, जिस दी वो इज्जत है, जिस दे घर की इज्जत है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा किसे दी इज्जत की हिफाजत करेगा अल्लाह उस दी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा, जिहड़ा किसे दी इज्जत की हिफाजत करेगा। मैं बेटी की गल सुनानी है तो गल भी नबी पाक के दरबार च सुनानी कि बेटी चीज़ की है। और बेटी ने भी चाहिए कि मैं अपने बाप की इज्जत वेखा, मैं घरों बाहर ना निकला, दौड़ ना जावा, किसी के नाल नस ना जावा, मेरे बाप की इज्जत ना खराब होवे, मेरी माँ की इज्जत ना खराब होवे, मेरे भैणा भरावां की इज्जत ना खराब होवे। ये तलीम जिहड़ी है ना, तलीम ये नहीं दसदी भी इहदे विच तेरे अब्बे की इज्जत है वे कि नहीं है, इहदे विच तेरी माँ की इज्जत है वे कि नहीं है। तलीम आँदी ठीक है, जो तेरा दिल करदा तू कर। तो मैं तो अक्सर आना भी इहो जी तलीम नाल बंदा बेटियां नूं घर बिठा ले तो चंगा, जो बेहयाई दे मूँह विच जो देना है। मुंडे कुड़ियां कट्ठे पे नचते ने, बेहयाई पे करते ने कॉलेज यूनिवर्सिटियां दे अंदर, की नहीं हो रहा। इस्लाम कित्थे वे, इस्लाम की तलीम किन्नी है। असी सारे अपने गिरेबान विच जां कि अपने घरां विच वेखिए कि साड़ी बेटियां नू इस्लाम की तलीम किन्नी है, तो स्कूल की किन्नी है, इस्लाम का किन्ना इलम है, शरीयत का किन्ना इलम है। जिन्हें कुरान पढ़िया होगा, मुहम्मद की शरीयत पढ़ी होगी, वो कभी भी दहलीज तो बाहर कदम नहीं रखेगी। उन्होंने पता होगा कि मैं अपने खावन की इज्जत करनी है,
मैं अपने बाप की इज्जत करनी है, मैं अपनी माँ की इज्जत करनी है। इस वास्ते उन्हें बेटियों वास्ते पैगाम है, खसूसन कि अपने बाप की इज्जत जिन्हें सारी जिंदगी सारी दौलत ही तुहाडे ते ला छड़ी, उस भरा की इज्जत का ख्याल रखो जिहड़ा सारा कुछ मेहनत मजदूरियां बरूने मुलक जाके कर रहा कि मेरी भैन का अच्छा रिश्ता हो जाए, अच्छी जगह पर शादी हो जाए, अच्छा सामान देंगे, अच्छा जहेज देंगे, अच्छे तरीके रुखसती करांगे। उन्हां दी इज्जत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है।